नमस्कार मित्रों, आज हम ग्रह के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी दिशाओं के बारे में, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वास्तु नियम के चार्ट पे सीरीज चल रही है, जिसमें सबसे पहले हम तत्व के बारे में बात कर चुके हैं, फिर दिशा के बारे में बात कर चुके हैं। आज मित्रों ग्रह के बारे में बात करेंगे कि वास्तु में ग्रह किस प्रकार कार्य करते हैं तथा इनको हम किस प्रकार समझकर अपना अपने प्लॉट पे, अपनी भूमि पे, अपने फ्लैट पे, अपने ऑफिस में या अपने कार्यस्थल में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन चीजों को समझने के लिए हमें यह चार्ट देखना होगा। मित्रों जैसा कि ग्रह के बारे में आप सब जानते हैं कि ग्रह सात ग्रह हैं और दो छाया ग्रह हैं। सात ग्रह में से जैसे पहला ग्रह सूर्य हुआ, दूसरा चंद्र हुआ, तीसरा मंगल हुआ, चौथा बुध हुआ, पांचवा बृहस्पति देव हुए, गुरुदेव हुए, छठा शुक्र देव हुए, सातवां शनि देव हुए तथा छाया ग्रह राहु व केतु हुए। यह तो हम सब जानते ही हैं। इसमें मित्रों जो वास्तु को सीख रहे हैं कुछ मेरे मित्र और उनको ज्योतिष भी आता है, उनके लिए बहुत आसान हो गया समझने के लिए, लेकिन आप इसमें चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। जो ज्योतिष नहीं जानते हैं वह भी वास्तु को अच्छे से समझ सकते हैं। बस खाली आपको काम इतना करना है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है आप एक अपनी कॉपी लगा लें, उसमें टिप्स नोट करते रहें, पॉइंट नोट्स करते रहें, चित्र नोट करते रहें और उनको समझने की कोशिश करें। यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि वीडियो के बाद में नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मित्रों वापिस हम आते हैं ग्रह पर। उससे पहले हमने दिशा देखी, जैसे यह प्लॉट है, यह उत्तर दिशा का प्लॉट है, इसकी पूर्व दिशा इस तरफ है, दक्षिण दिशा इस तरफ है, पश्चिम दिशा इस तरफ है। मित्रों जो बुध ग्रह होता है वह कुबेर देवता के स्थान पर बैठता है, इसकी जो जगह फिक्स है उत्तर दिशा फिक्स है। वास्तु में बुध ग्रह की दशा उत्तर फिक्स है। इसी प्रकार ईशान कोण में या नॉर्थ ईस्ट में गुरुदेव की ग्रह की स्थिति फिक्स है और इसके साथ केतु महाराज रहते हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा अपने से 180 डिग्री के एंगल पर रहते हैं, तो अगर केतु यहां पर होंगे तो राहु यहां पर होंगे। उसके बाद जो मित्रों सूर्य है वह इस डायरेक्शन में स्थित रहते हैं, उनको यहां से हम देख सकते हैं। शुक्र की जो स्थिति है वह अग्नि कोण में है, वास्तु में शुक्र की स्थिति अग्नि कोण में है, मंगल की स्थिति दक्षिण में है, राहु की स्थिति जैसा कि मैंने पहले आपको बताया नैऋत्य कोण में है या साउथ वेस्ट में है, और शनि की स्थिति पश्चिम दिशा में है, चंद्र की स्थिति वायव्य कोण में है, नॉर्थ वेस्ट में है, यहां पर चंद्र की स्थिति रहती है। तो यह तो मित्रों हो गया कि एक प्लॉट के अंदर वास्तु में ये ग्रह किस प्रकार बैठते हैं। अब हमें यह देखना है कि इनसे हमें किस प्रकार अपने प्लॉट को देखना है या उससे क्या लाभ हम ले सकते हैं, या हमें कोई हानि तो नहीं हो रही, अगर हानि हो रही है तो हम उसको कैसे बच सकते हैं। उसके लिए मित्रों हम सबसे पहले देखेंगे यहां से लेके यहां तक एक विभाजन रेखा मैंने बनाई है जो चंद्र से शुक्र तक जा रही है। आपको ये विभाजन अक्ष आराम से समझ में आ रहा है। कुछ ग्रह इसके इस तरफ हैं और कुछ ग्रह इसके इस तरफ हैं। मित्रों अगर आप ध्यान से देखें बुध गुरु केतु सूर्य इस तरफ को हैं, ये सारे शुभ ग्रह हैं, और कुछ ग्रह इस तरफ हैं वह है मंगल राहु और शनि, जो अशुभ ग्रह माने जाते हैं वह इस तरफ हैं, या इनको पापी ग्रह या क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं अशुभ ना कहकर, वह इस तरफ हैं। अब मित्रों बाकी दो ग्रह बचे, एक चंद्र एक शुक्र। चंद्र और शुक्र दोनों डायगोनल पर बैठे हैं, जिसको विकर्ण भी कहते हैं, विभाजन अक्ष पर बैठे हुए हैं। तो इनसे इनसे हम क्या मतलब निकालेंगे, इनसे हम मतलब दो तरह से निकाल सकते हैं। यदि चंद्र हमारा पीड़ित है तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा, अगर चंद्र शुभ है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा। बुध हमारा पॉजिटिव इफेक्ट देगा यदि पीड़ित नहीं है, बृहस्पति पॉजिटिव इफेक्ट देगा यदि पीड़ित नहीं है, केतु पॉजिटिव इफेक्ट देगा यदि पीड़ित नहीं है, सूर्य पॉजिटिव इफेक्ट देगा यदि पीड़ित नहीं है,
शुक्र पॉजिटिव इफेक्ट देगा अगर पीड़ित नहीं है। यदि मान लो शुक्र पीड़ित है तो नेगेटिव इफेक्ट देगा। मंगल पॉजिटिव इफेक्ट तब देगा जब वह शुभ होगा, अगर नहीं तो वह नेगेटिव इफेक्ट देगा। राहु अशुभ होने पर नेगेटिव इफेक्ट देगा, शनि अशुभ होने पर नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो इस प्रकार मित्रों हमने ये जान लिया कि कुछ ग्रह शुभ फल देंगे, कुछ अशुभ फल देंगे, लेकिन उनके शुभ और अशुभ फल इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं तो हमें अच्छा फल देंगे, वो हमारे वास्तु में अगर बुरे स्थान पर बैठे हैं तो बुरा फल देंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक विभाजन कक्ष की इस रेखा को खींचा जिससे हमें पता लगा कुछ ग्रह इधर कुछ ग्रह इधर। अब हम दूसरा इसमें समझते हैं कि अगर एक रेखा इधर से इधर ले इस विभाजन रेखा को हम क्या कहेंगे मित्रों, इसको हम आध्यात्मिक रेखा कह सकते हैं क्योंकि यह शुभ स्थान है, मंदिर का स्थान है, यहां सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें मिल रही है, शुभ ऊर्जा मिल रही है, आध्यात्म ऊर्जा मिल रही है, अच्छी ऊर्जा मिल रही है, और ये इधर से चलते 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 यहां तक आकर खत्म हो जाती है। यहां वो उसकी 100% अगर ताकत है तो यहां आते आते वो 0% हो जाती है। तो मित्रों इसमें इसकी शुभता किस कारण से हुई, यदि हम बुध और सूर्य को मिलाते हैं, बुध और सूर्य को मिलाते हैं तो ये एरिया क्या बना आपका, इतना हिस्सा, यह एरिया आपका क्या बना, यह आपका आध्यात्मिक क्षेत्र बन गया कंप्लीट। और इससे आगे जैसे जैसे आएंगे इसमें कमी आती जाएगी। यह तो मित्रों हमने देखा कि गुरु और राहु का अगर इन दोनों लाइनों को मिलाते हैं, डायगोनल करते हैं, तो यह जो क्षेत्र होगा हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र होगा और यह भौतिक क्षेत्र होगा। फिर मित्रों हमने और आगे क्या देखा, इसके अंदर एक रेखा इधर से इधर जा रही है, ये वाली ये ऊर्जा का स्थान है, सूर्य इधर से उदय होकर ऐसे चलता है और यहां आकर अस्त हो जाता है, तो यह भौतिक सुख का स्थान हुआ। रात को हम सो जाते हैं, आराम करते हैं, भौतिक सुख का स्थान हुआ। और शनि की जो कार्य है वह नसों का कारक भी है, शनि यहां हमें रेस्ट के लिए रहना है, शनि नसों का कारक भी है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम भौतिक ऊर्जा लेकर चलते हैं, ऐसा दिन भर कार्य करते हैं, पहुंचते पहुंचते यहां पर हम भौतिक सुख लेते हैं, रात को सो जाते हैं। उसके बाद मित्रों हम एक और देखते हैं इसके अंदर, ऐश्वर्य धन संपत्ति कैसे आएगी, धन संपत्ति कैसे आएगी। ये देखो मैग्नेटिक इफेक्ट है, यह उत्तर दिशा है, यहां से बुध से मंगल की तरफ हम जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस एरिया को हम ऐश्वर्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, इस एरिया को हम ऐश्वर्य क्षेत्र भी कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट इधर से आएगा और यहां पर चलेगा जिससे हम इधर बलवान रहेंगे। अगर ये हमारी दिशा बुध ठीक है, उत्तर दिशा ठीक है, तो हमें धन लाभ होगा, हमें शुभ अवसर मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन देखा, हमने गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन देखा, हमने सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन देखा, हमने चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखा। तो मित्रों ये सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने से यह पता लगा, यदि हम इन रेखाओं को दोनों को मिला देते हैं, शनि की और मंगल की, तो इसको मिलाने से हमें क्या होगा, हमें यहाँ भौतिक और शारीरिक, ये भौतिक है, ये ऐश्वर्य है, ये शारीरिक सुख, इसलिए हमारा बेडरूम इस एरिया में होता है। भौतिक और शारीरिक सुख के लिए यह स्थान उत्तम माना जाता है। तो आज मित्रों हमने सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली और उन ग्रहों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव भी हमने समझ लिया कि वे वैसे हमारे वास्तु पर कैसे असर दिखाते हैं, और उसको आगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कल हम मित्रों बात करेंगे कि कौन से दिशा के देवता कौन है, देवताओं के बारे में बात करेंगे।
यदि मित्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।